Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. Today 14 February 2019, Thursday, इस वीक का फोर्थ ट्रेडिंग सेशन है और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। अभी सुबह के 8:05 हो रहे हैं, देखते हैं क्या हो सकता है निफ्टी में और क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। उससे पहले जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हर रोज सुबह हम ये निफ्टी एनालिसिस का वीडियो पब्लिश करते हैं यूट्यूब पे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस किया है तो हर सुबह मॉर्निंग में आपके मोबाइल पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और मार्केट आवर्स के पहले आप ये वीडियो देख सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 13 फेब 2019, आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो हमारा कल का ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,895, और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव होता है तो ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 10,823। तो ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। ये वर्टिकल लाइन के राइट साइड का कैंडलस्टिक हमें कल का डेटा प्रेजेंट कर रहा है। तो लास्ट जब हाफ एन आवर बचा था तभी ये जो हमारा ब्रेक डाउन लेवल था, ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 10,799 ये अचीव हुआ, और सेकेंड टारगेट 10,768 के पास ऑलमोस्ट इसने 10,771 का लो लगाया। तो कल के स्ट्रैटेजी के हिसाब से अराउंड 45 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और अगर 10 लॉट के हिसाब से ट्रेड करते तो अराउंड 33,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में फिर से एक बार बढ़त देखने को मिली। अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर के ऊपर बातचीत शुरू होने से ये थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूरोपियन मार्केट भी हरे निशान में बंद हुए। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। निक्के 17 पॉइंट हल्की से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी 31 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से मिले जुले संकेत आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर भी दिखाई दे रहा है एशियाई मार्केट में। देखते हैं निफ्टी इंडेक्स में आज क्या हो सकता है, क्या चार्ट कह रहा है। यह वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। आप देख सकते हैं कि कल जैसे हमने एक्सप्लेन किया था, ये 20 EMA का ये जो लेवल है ये फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है जो कि अराउंड 10,800 के पास है। अगर ये अभी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 10,675 के पास आ रहा है। लास्ट कई सारे वीक्स में हमने देखा ये लेवल पेनेट्रेट हुआ था, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ था। ये 1, 2, 3, 5, 6, 8 वीक्स कंटिन्यूस यहाँ पर ये सपोर्ट का काम किया था। ठीक है, और ऊपर में अभी 11,089 के लेवल्स अचीव करने के बाद फिर से एक बार यहाँ पर करेक्शन दिखाई दे रहा है। एज पर वीकली चार्ट ये साइडवेज पैटर्न में चल रहा है। एक रेंज है ऊपर 11,089 का रेंज बन गया और नीचे 10,675, इस रेंज के अंदर ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो एज पर वीकली चार्ट साइडवेज पैटर्न है। 10,675 अगर ब्रेक करता है तो हमें और भी नीचे के लेवल्स यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकते हैं। ओके, यह वीकली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में भी जो कि बुलिश पैटर्न बन रहा था 50, 100, 20, 50, 100 असेंडिंग ऑर्डर्स में और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स, ये अभी फिलहाल यहाँ पर ब्रेक हुआ है और निफ्टी इंडेक्स अभी तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ है। हालांकि अगर हम यहाँ पर जो अपसाइड ये मूव आया था इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाले तो 50 और 100 ये में ब्रेक होने के बाद ये जो 61.8% का लेवल है 10,787 ये यहाँ पर पेनेट्रेट हुआ है और इसके जस्ट अबाव ये क्लोज हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 50 और 100 EMA का सपोर्ट टेस्ट करके थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिले। हालांकि कल और भी ये ब्रेक कर दिया निफ्टी इंडेक्स ने और 61.8% के जस्ट अबाउ ये क्लोज हुआ। तो अगर ये ब्रेक करता है ये भी लेवल तो हमें नीचे की तरफ और भी डाउन साइड निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकता है। ठीक है, मार्केट अभी फिलहाल बियरिश जोन में चला जा रहा है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है और फिर से ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर से यहाँ से एक अपसाइड मूव हमें दिखाई दे सकती है। ठीक है, वीकली चार्ट में कल भी हमने देखकर बोला था कि यहाँ पर ये जो
मंडे का हाई और ओपन है एग्जैक्ट सेम है 10,930.90। तो जब ये ओपन और हाई ऐसा सेम आता है, एग्जैक्ट लेवल पे आता है, तो वहां पर बियरिशनेस दिखाई देता है। पास्ट में भी देखिए तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये वीक का हाई और ओपन देखिए 11,751.80 सेम था, और उसके बाद में यहाँ पर फॉल दिखाई दिया। ये भी इस वीक का भी ओपन और हाई देखिए सेम था, और यहाँ से फॉल दिखाई दिया। तो जब भी ऐसा एक पैटर्न आता है, ओपन और हाई सेम होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया कि वहां पर बियरिशनेस हमें दिखाई देता है आगे। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। क्विकली चलते 60 मिनट के चार्ट पे, इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। यह है 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी इंडेक्स कल का लो अगर ब्रेक करता है, 10,771 ये अगर ब्रेक होता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,746। और अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है, तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है 10,819, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट किया था, और यहाँ से बाउंस बैक हुआ था। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में पिवट पॉइंट का लेवल, और उसके बाद में ये वाला लेवल 10,831 इसके ऊपर सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,866, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, तो ये थी आज के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी, इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।